नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा प्रभा में। और यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी इवनिंग शिफ्ट की आंसर की को। तो सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे और अपना राइट आंसर्स पर टिक लगाते हुए चलेंगे। खंड आ वस्तुपरक प्रश्न आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 10 नंबर का ये प्रश्न एक था आप लोगों का, जिसके अंदर आपको ऑप्शनल बेस्ड आंसर देने थे। शिक्षा प्रभा पर बेटा आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की दूसरे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन मार्किंग स्कीम, सीबीएसई सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, रिजल्ट और डेट शीट प्रैक्टिकल के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो बेटा अगर आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और इसी के साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर करना है। खंड वर्णनात्मक प्रश्न बेटा यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो ये देखिए, जैसे 5 नंबर हैं तो बटा हुआ है कि आप लोग प्रारूप एक नंबर में लिखेंगे, विषय वस्तु अगर आप लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेगा और भाषा के लिए भी आपको एक अंक दिया जाएगा। तो पत्र लेखन का, व्यवहारिक लेखन का, सब चीज़ों का जो मार्क्स है इस मार्किंग स्कीम में आप लोगों को बताया गया है कि व्यवहारिक लेखन में प्रारूप और भाषा आपका एक नंबर का होगा और विषय वस्तु आप लोगों के 2 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका 3 नंबर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और क्या होता है कार्यसूची कार्यव्रत, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। आपके बुक के जो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे उनके आंसर इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 12, 40 शब्दों में आपको आंसर देने थे। देखिए पेपर तो आप लोगों का मुझे लगता है कि ठीक ठीक आया है, इजी आया है और शॉर्ट भी था, बहुत जल्दी आप लोगों ने कर लिया होगा, टाइम भी आप लोगों के पास काफ़ी बच गया होगा 3 घंटों के मुकाबले। आशा करती हूँ सभी का जो पेपर है बेटा अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आएंगे। कैसा गया आपका पेपर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है।